जय भीम साथियों, और मैं देवाशीष जरारिया आपके बीच में मैं लाइव आया हूँ SC ST एट्रोसिटीज एक्ट को लेकर। कल सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है। मैं आपके बीच में सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे डिसीजन के मायने, और मैंने पूरा निर्णय पढ़ा है, उस निर्णय में क्या क्या खामियां, मतलब किस तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन क्या उस पर असर पड़ेगा और क्या उसका पूरा बैकग्राउंड क्या है, न्यायालय किस बात पर, न्यायालय ने ये सवाल पूछा, किस न्यायालय ने क्या डिसीजन दिया, उस डिसीजन की पूरी पूरी एक एक करके मैं चीजें आप लोग के बीच में बताने वाला हूँ, सिंपल से सिंपल में, ताकि आप लोग ये समझ सके हुआ क्या है और इसके क्या मायने हैं। तो चालू करते हैं। पहला तो मैं बता देता हूँ केस किसके द्वारा डाला गया था। ये सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यानी सुभाष काशीनाथ महाजन जो थे वो इसमें अपील करता थे और इस केस को लड़ रही थी महाराष्ट्र सरकार। जो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी, जिस जो दो जजों की बेंच थी, वो थे AK गोयल और UU ललित। ये दो जजों की बेंच है। जो क्वेश्चन इनके सामने था डिसीजन का, वो एक क्वेश्चन था कि प्रोसीजरल सेफगार्ड्स सो दैट प्रोविजन ऑफ SC ST एक्ट आर नॉट अब्यूज। मतलब ये उस सवाल को देख रहे थे कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं निर्णय लेकर कि SC ST एक्ट का जो मिस यूज है वो रोका जा सके। अब मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा। 2014 से लेकर 2016 तक नेशनल क्राइम कंट्रोल बोर्ड, जो NCRB है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो कि सारे संगठित अपराध है उसका लेखा जोखा रखता है, उसके आंकड़े मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। 2014 से लेकर 2016 तक, 2014, 15, 16 के आंकड़े हमारे पास है, और तीनों आंकड़ों में दिखाया गया कि SC और ST के खिलाफ जो अत्याचार के केसेस हैं उसमें निरंतर बढ़ोतरी हुई है। मतलब 14 में बढ़े, 15 में उससे ज्यादा बढ़े, 16 में बढ़े, और 17 के अभी आंकड़े आए नहीं, 17 में भी हमारे सामने है कि ये जो अत्याचार की घटनाएं हैं वो निरंतर बढ़ती जा रही हैं। तीसरा, जो दूसरी चीज जो आई है वो ये है कि जो डिस्पोजल केसेस है, केवल 15% केसेस का डिस्पोजल हुआ है। मतलब केवल 15% केसेस हैं जो अपने आखिरी चरण तक पहुंच पाए, बाकी सारी केसेस जो थे वो बीच में या तो खत्म कर दिए गए या उनपे समझौता हो गया या किसी तरीके से वो अपनी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए। यानी केवल केवल 15% अपने चरण में पहुंच पाए। उसमें कितने में छूट गए अपराधी, कितने में कन्विक्शन हुआ वो मेरे पास जानकारी नहीं है, लेकिन केवल के 85% केसेस हैं जो अपने, तो आप समझ सकते हैं कि जो कन्विक्शन रेट है, यानी इन मामलों में जो सजा होती है वो सजा पहले से ही बहुत कम है, बहुत कम है सजा, सजा का प्रावधान। तीसरी चीज जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं फैक्ट, वो फैक्ट ये है कि हम जानते हैं कि जो पुलिस प्रशासन होता है, जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में भी वह काम करता है, क्योंकि घटनाएं ज्यादातर वहीं से आती हैं, वो पुलिस प्रशासन ज्यादातर जो अत्याचार करता होता है वो ताकतवर होता है, और जो जिस पर अन्याय होता है वो गरीब परिवार से होता है, ठीक है, कमजोर तबके से होता है वो। तो एक तरीके से जो सांठगांठ है वो पुलिस प्रशासन के बीच में और जो 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 जिस पे आरोप लगाता है उसके बीच में होती है। अब क्या कहते हैं, निर्णय क्या आया है, ये मैंने आपको आंकड़े बता दिए, थोड़ा पीछे फैक्ट बता दिया, फिर से मैं बता देता हूं कि किस मामले पे, किस सवाल पर प्रश्न पूछा गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कि प्रोसीजरल सेफगार्ड और सो दैट प्रोविजन ऑफ SC ST एक्ट आर नॉट अब्यूज, यानी ऐसे क्या प्रावधान किए जा सकते हैं जिससे कि SC ST एक्ट, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1982 सॉरी नवासी 1989 में किस तरीके से अत्याचार जो की जो धाराएं हैं, ठीक है, उसको कैसे करके उसका मिस यूज रोका जा सकता है। तो इसको लेकर तीन चार चीजें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन में दी हैं। मैं बता देता हूं कि पब्लिक जो कोई भी, यानी कोई सरकारी कर्मचारी है, पब्लिक ऑफिस पे कोई अधिकारी है, उसके खिलाफ कोई भी शिकायत अगर होती है तो उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती,
ठीक है, एफआईआर करने से पहले, उसे गिरफ्तारी करने से पहले, उसका उसको जिसने नियुक्त किया गया है, यानी जो उसका नियुक्ति करता है, जिसने उसको नियुक्त किया है, उसकी परमिशन जरूरी होगी। ठीक है, दूसरी चीज, शिकायत मतलब नॉन प्राइवेट कोई पर्सन है, यानी प्राइवेट यानी कोई भी आम नागरिक जो कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, उसकी इसके लिए एसएसपी रैंक के अधिकारी की मंजूरी, उसकी गिरफ्तारी के लिए एसएसपी रैंक के अधिकारी की मंजूरी जरूरी होगी। तीसरी चीज ये कि एफआईआर के बाद गिरफ्तारी का प्रावधान हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अब इस मामले को अलग तरीके से देखना होगा और गिरफ्तारी हर केस में हो ये जरूरी नहीं है। ये तीसरा है। चौथा प्रावधान ये है कि चूंकि ये जो कानून है वो सीधे सीधे बताता है कि ये सीधे सीधे संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है, यानी इस पे जरूरी नहीं है कि आप एफआईआर करें, जो थाना है वो खुद संज्ञान में इसको ले सकता है, और इसका जो अपराध है वो गैर जमानती है, यानी इसको सीधे एंटिसिपेटरी जो बेल थी, यानी सीधे आप जाके बेल ले लो, ठीक है, बेल के लिए आपको कोर्ट ही जाना पड़ेगा, ये प्रावधान पहले था, अब इस प्रावधान को भी डाइल्यूट कर दिया गया है, एंटिसिपेटरी बेल अब इस मामले में लागू कर दी गई है। साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि अगर ये प्रावधान जो कि हमने डिसीजन दिया है इसको अगर लागू नहीं किया जाता है, अगर इस पे कोई भी कोताही बरती जाती है, तो कंटेम्प ऑफ कोर्ट का मामला चलेगा। तो ये मैंने बता दिया कि सवाल क्या था और इस पे डिसीजन क्या दिया। अब मैं डिसीजन की इम्प्लीकेशंस, यानी उसकी वजह से क्या फर्क पड़ने वाला है, वो आपको चरमबद्ध तरीके से समझाने वाला हूं। देखिए, अपराध अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जितने भी अपराध थे वो संज्ञेय और गैर जमानती अपराध थे। संज्ञेय का मतलब ये होता है कि कभी अगर कोई अथॉरिटी है उसको संज्ञान में अगर ये बात आती है कि इसके साथ अत्याचार हुआ है, तो अत्याचार की जो परिभाषा है उसको ध्यान में रखते हुए उसको बिना एफआईआर के भी गिरफ्तार करने का प्रावधान था। साथ ही साथ उसकी बेल, नॉर्मल केसेस में जो बेल बॉन्ड भर के जो बेल हो जाती है वो बेल नहीं हो सकती थी, गैर जमानती है, इसके लिए कोर्ट में बाजार पेश करना होता था, और कोर्ट से क्या कहते हैं बाद में बेल का प्रावधान था। इस डिसीजन के आने के बाद गिरफ्तारियों पर अमूल चूक रोक लग गई है। आप समझते हैं, हम समझ सकते हैं कि जिस तरीके से जो प्रशासन है वो कार्य करता है, वो पहले से ही जो व्यवस्था है वो इन जो वर्ग है उनके खिलाफ चलती है। इसके आने के बाद उनको और ताकत मिल जाएगी इस कानून को न लागू करने की। दूसरी चीज, सरकारी कर्मचारी अगर इसका कोई इस पर शिकायत दर्ज कराता है SC ST एक्ट की, तो तब तक उसकी अपराध की गिरफ्तारी नहीं हो सकती इस व्यक्ति, जब तक उसका जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है, यानी जो उसने उसको अपॉइंट किया है, वो बड़े लेवल का अधिकारी होगा, हो सकता है सचिव लेवल का अधिकारी हो, उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी दी गई है, यानी उसके डिस्क्रिप्शन में होता है। अब मान लीजिए कोई सचिव स्तर का और अपर सचिव स्तर का कोई अधिकारी है, हम जानते हैं कि पहले से ही इन वर्गों का वहां पर कितना प्रतिनिधित्व है, कितनी वहां सुनी जाती है, अब उस अधिकारी के डिस्क्रिप्शन पे, यानी उसके ऊपर होगा, वो चाहे तो वो हाँ बोल सकता है, चाहे वो हाँ नहीं बोल सकता है। जब भी ऐसे मामले होते हैं कि हमसे, हमारे इस वर्ग से ताकत छीन कर इन लोगों के हाथ में दे दी जाती है कि ये डिसीजन लें, अपराध करने वाला भी उसी समाज का, अपराध को दर्ज किया जाए, गिरफ्तारी की जाए या न की जाए, ये डिसीजन लेने वाले भी वही लोग, तो आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। दूसरी चीज ये कि प्राइवेट पर्सन, यानी कोई भी प्राइवेट व्यक्ति अगर अपराध करता है, तो SSP रैंक के अधिकारी से जवाब उसकी डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया, यानी दोनों तरह, आप सरकारी कर्मचारी हो चाहे सरकारी कर्मचारी नहीं हो, आपके बीच में एक थर्ड पर्सन डाल दिया गया है जो कि निर्णय लेगा कि अब आपको, आपकी आपने अगर मामला दर्ज कराया है, मुकदमा दर्ज कराया है, तो आपकी गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, ये तीसरा आदमी निर्णय लेगा, उसके ऊपर है। अगर वो ये बोल देता है, अगर वो बोल देता है कि नहीं, मुझे ऐसा फील नहीं होता कि गिरफ्तारी नहीं होगी, तो मामले में गिरफ्तारी नहीं होगी, आपने चाहे लॉ कायम कराया है, मामला कायम कराया है, या मुकदमा कायम नहीं कराया, उसे फर्क नहीं पड़ता, गिरफ्तारी नहीं होगी। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से
वो जो व्यक्ति है जिसने अत्याचार किया है, या हो सकता जो अपराधी जो आरोपी है अत्याचार का, वो किस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकता है, बाद में हो सकता है कि जिस पर अत्याचार हुआ है उसको दबाने का और काम किया जाए। अगली बात, बेल का प्रावधान, एंटिसिपेटरी बेल का प्रावधान। बहुत एंटिसिपेटरी बेल में यानी सीधे जाकर, सीधे मजिस्ट्रेट के पास जाकर बेल ली जा सकती है, ये भी बहुत खतरनाक प्रावधान है। यानी इसमें सीधे मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, बेल बॉन्ड भरवा दिया जाएगा, क्योंकि जो भी अत्याचार अन्याय के आरोपी होते हैं वो जनरल देखा गया है, हम लोगों ने देखा है कि वो उच्च वर्ग के होते हैं और बहुत ताकतवर लोग होते हैं। तो एंटिसिपेटरी बेल लेना, एक बेल बॉन्ड भरना, ज्यादा रुपए का बेल बॉन्ड भरना कोई बड़ी बात नहीं है यानी। और तीसरी बात यह है कि कोई अगर सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ, अगर इसके निर्णय को लागू नहीं करवा पाता है, तो सीधे उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, तो बहुत ही सख्त निर्णय ये मैं कह सकता हूं, बहुत ही सख्त निर्णय ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अब मैं एक चीज, बहुत महत्वपूर्ण चीज पे मैं आ जाता हूं, जहां गुंजाइश है राजनीति की, जहां गुंजाइश है धोखे की। पहली चीज तो कि ये केस लड़ा गया, सुभाष काशीनाथ महाजन ने ये केस डाला और इस केस को लड़ रही थी महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार इस केस को लड़ रही थी, और आप जानते हैं कि महाराष्ट्र जो सरकार है वो किसकी है, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र सरकार है, और उसी के सरकारी वकीलों ने ये मुकदमा लड़ा है। तो बिल्कुल जब महाराष्ट्र सरकार को पता था कि सवाल पूछा गया है कि हम क्या प्रोसीजर स्थापित कर सकते हैं जिससे SC ST एक्ट को अब्यूज रोका जाए, यानी ये क्वेश्चन ही इस तरीके से पूछा गया कि अगर महाराष्ट्र सरकार ये केस हारती है किसी भी तरीके से, या कोई अल्टरनेटिव ओपिनियन नहीं समझा पाती है, तो पूरी तरीके से जो SC ST एक्ट है वो निष्प्रभावी हो जाएगा। तो महाराष्ट्र सरकार ने जानबूझ के इस केस को इस तरीके से लड़ा कि वो ये मुकदमा हार जाए। अगला बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य मैं आपके सामने रखने वाला हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक नोटिस जारी किया, और उस नोटिस में जो सवाल पूछा गया वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी केंद्र सरकार से भी इस बाबत सवाल पूछा गया, उनसे पूछा गया कि आप इस पर क्या राय रखते हैं। आपकी सहमति के लिए बता दूं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो कि सबसे बड़ा न्याय अधिकारी होता है, वकील होता है भारत सरकार का, उसने इस केस में पैरवी नहीं की, वो नहीं गया। उसके बाद के जो अधिकारी होते हैं सॉलिसिटर जनरल होते हैं वो भी इस केस में नहीं गए, एक बहुत कम रैंक के अधिकारी को भेजा गया और केवल इस मामले में खानापूर्ति की गई। तो सरकार ने जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत इसमें डिसीजन दिलवाया है ताकि ताकि SC ST एक्ट निष्प्रभावी हो जाए। एक और चीज आपके बीच बताना चाहता हूं कि इसके बहुत गंभीर मायने हैं। पहले से ही जिन कन्विक्शन रेट बहुत कम था, यानी अपराधों में सजा बहुत कम होती थी, इसके आने के बाद पूरी तरीके से SC ST एक्ट धरातल पर, ताबू में तो अभी भी आपको मिलेगा, पर धरातल पर वो निष्प्रभावी हो गया है। इससे पहले इसी बेंच ने एक डिसीजन और लिया, इस बेंच ने यानी AK गोयल और UE ललित की जो बेंच थी उसके पास दहेज प्रताड़ना के केसेस का मामला भी गया था, और उस मामले में इन्होंने बीच में एक इंसान को न डालते हुए एक सिविल सोसाइटी को बीच में डाला, यानी एक संस्था बनेगी, उस संस्था के में कुछ सिविल लोग होंगे यानी अच्छे स्टेचर के लोग होंगे, महिला NGOs हो सकते हैं, कोई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हो सकते हैं, महिलाएं हो सकती हैं, वो एक कमेटी बैठेगी, वो कमेटी डिसीजन लेगी कि गिरफ्तारी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। इस बार सीधे एक व्यक्ति को, यानी यहाँ पर जो कि जो सरकारी आदमी है उसके मामले में सीधे सीधे जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो, और प्राइवेट बॉडी प्राइवेट लोगों के बीच में SSP के लेवल के अधिकारी के डिस्क्रिशन पर, यानी उनके ऊपर डाल दिया गया है कि गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी। अब साथियों आगे क्या किया जा सकता है, हम उस पे आते हैं। ये तो हो गया निर्णय। साथियों इससे पहले भी उच्चतम न्यायालय द्वारा रिजर्वेशन को लेकर एक केस का डिसीजन आया था, और उसमें
ये बोला गया था कि जो लोग भी एससी एसटी ओबीसी रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म भरते हैं उनको रिजर्व कैटेगरी में ही ट्रीट किया जाएगा। तो एक तरीके से जो अनरिजर्व 15% लोग हैं उनको 51% रिजर्वेशन दे दिया गया था। तो वो डिसीजन आया था, उस डिसीजन के बाद में जब उस पर रिव्यू पिटीशन लगी, ठीक है, रिव्यू पिटीशन में वो डिसीजन अभी कुछ महीनों पहले ही परिवर्तित किया गया है। तो साथियों इस मामले में भी अब हमारे पास दो हैं, दो चीजें हमारे पास मामले सामने निकल के आते हैं। या तो केंद्र सरकार बड़ी बेंच पर माफ कीजिएगा, पानी पी लेता हूँ, 2 मिनट आप दीजिए। तो केंद्र सरकार या तो बड़ी बेंच पर इसकी रिव्यू पिटीशन फाइल करे, और या फिर सामाजिक संगठन जो भी है हम सभी मिलकर रिव्यू पिटीशन इस मामले में फाइल करें। 3 रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है इस मामले को लेकर। दूसरी चीज ये कि हम सरकार से ये मांग करें, सरकार पे ये दबाव बनाए कि वो पार्लियामेंट के अंदर इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट ना हो सके उसके लिए अमेंडमेंट संशोधन बिल, संशोधन विधेयक पार्लियामेंट में लेकर आए। तो ये दो हमारे सामने समय रास्ते हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे 82 प्रतिनिधि लोकसभा में हैं, तो उन प्रतिनिधियों से मेरा अनुरोध है कि प्लीज इस मामले को बहुत देखिए, बहुत ही गंभीर मामला है। एससी एसटी के अधिकारों का सीधा सीधा हनन हुआ है, पूरी तरीके से जमीन पर उनका जो बड़ा बेस था, मतलब बड़ा जो शील्ड थी उनके ऊपर जिससे उनकी रक्षा की जा सकती थी, एट्रोसिटी एक्ट, एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, वो पूरी तरीके से अब निष्प्रभावी हो चुका है। इसको लेकर समाज में सजगता कि क्या हुआ है हमारे साथ, देखिए हम बार बार बोलते आए हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान में बदलाव होंगे, संविधान में बदलाव होंगे। आप लोगों के सामने है, आप लोगों के सामने है कि संविधान में ऐसे बदलाव नहीं होगा साथियों, कि कोई औपचारिक घोषणा की जाएगी कि संविधान बदल गया है। संविधान धीरे 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 करके निष्प्रभावी कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, आपके अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे, और यही संविधान बदलना होगा। अभी आपके सामने रिजर्वेशन पे आपके हमला हुआ है, इस साल ऑन फैक्ट रिकॉर्ड है कि सरकारी इन वर्ग के एससी एसटी वर्गों के लिए सरकारी नौकरियां उनमें 91% की कमी आई है, 91% जॉब्स की कमी आई है। तो आपका वहां पर आरक्षण वही खत्म कर दिया गया है। कुछ दिनों पहले यूजीसी का भी एक निर्णय आया है, और उस यूजीसी के निर्णय, नए उस निर्णय में जो यूनिट थी, जो पहले यूनिवर्सिटी को माना जाता था, उसमें डिपार्टमेंट को यूनिट मान लिया गया है, और वहां पर भी जो रिजर्वेशन है, जो उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं वहां पर भी रिजर्वेशन को नल एंड वॉइड कर दिया गया है। और आपके सामने आज अत्याचार निवारण अधिनियम को भी नल एंड वॉइड कर दिया गया है। कोर्ट ने जो माना है, कोर्ट ने जो कहा है कि ठीक है, ये माना जा सकता है कि ये जो एक्ट है वो संसद ने बनाया इसलिए है कि दलित समाज पर या आदिवासी समाज पर, अनुसूचित जाति जनजाति समाज पर अत्याचार ना हो, पर कानून होने के साथ साथ ये भी हमें देखना पड़ेगा कि इसका गलत इस्तेमाल ना हो। तो साथियों ऐसा कोई कानून नहीं है देश में, और ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता जिसका गलत इस्तेमाल ना हो। ये जांच एजेंसियों पर निर्भर करता है, जो जांच एजेंसी है जैसे पुलिस हो सकती है या कोर्ट है, जिनको इसकी गलत रोकनी है। अगर केवल इसलिए कानून को ही निष्प्रभावी कर दिया जाए, कानून को ही खत्म कर दिया जाए कि गलत कानून, इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो फिर देश में कोई कानून बनाना ही नहीं चाहिए, फिर तो कोई कानून बन ही नहीं सकता। चाहे मर्डर केस हो, चाहे अटेम्प्ट टू मर्डर हो, चाहे रेप केस हो, ऐसा कोई कानून आप मुझे बताइए कि जिसका गलत इस्तेमाल नहीं होता हो। तो क्या इस देश से आप मर्डर जो क्या कहते हैं धारा 302 खत्म कर दोगे, या 307 खत्म कर दोगे, या रेप की 276 धारा खत्म कर दोगे?
नहीं हो सकता। तो हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई आंकड़ा नहीं दिया कि कितने प्रतिशत केस ऐसे आए हैं? क्या ये केस 50% से ऊपर है? क्या जितने भी अत्याचार निवारण के केस दर्ज किए जाते हैं क्या उसमें से 50-60% ऐसे केस है जो कि फेक केसेस है? ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा तो नहीं है। अगर इक्का दुक्का केसेस ऐसे आते हैं जिसमें हो सकता है कि वो गलत हो, ऐसा सबके साथ हो सकता है, तो क्या ऐसे मामलों में पूरा का पूरा एक्ट ही निष्प्रभावी कर दिया जाएगा जो कि ऐसे वर्ग के लिए है जिसपे अत्याचार होते हैं? ये एक फैक्ट है और इसको सरकारी आंकड़े भी मानते हैं। तो साथियों, मैंने आपके सामने पूरा ये जो लेखा जोखा है, जो डिसीजन है, वो आपके सामने सरल से सरल शब्दों में बताने का प्रयास किया है। अब इस मामले में क्या रणनीतियां, क्या भूमिका बांधी जाएगी, इसको लेकर मैं प्रयास कर रहा हूं कि सभी समाज के घटकों से, सभी संगठनों से एक औपचारिक मीटिंग की जाए। तो मैं आप लोगों के माध्यम से सबको एक इनविटेशन देना चाहता हूं कि आइए सारे संगठन, सारे सिविल सोसाइटी के लोग, सारे दलित समाज के लोग, सारे आदिवासी अनुसूचित जाति जनजाति समाज के सभी लोग, सभी संगठन एक टेबल पर बैठते हैं और एक देशव्यापी आंदोलन और साथ ही साथ इसकी रिव्यू पिटीशन कैसे फाइल करनी है उसको बैठकर भी एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। साथियों, एक स्ट्रेटेजी बनाना और वो उसके तहत कार्य करना बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ अब राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, हमारे सामने कर्नाटका है, हमारे सामने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव आने वाले हैं साथियों। तो साथियों, हमें उन चुनावों में अपने वोट की ताकत से इस सरकार को, जो कि सरकार ऐसी है जो कि आपके अधिकारों को बार बार उसका हनन कर रही है, आपके सारे अधिकारों को निष्प्रभावी कर दिया गया है, आपके सारे संवैधानिक अधिकार छीन लिए गए हैं, चाहे वो आरक्षण हो, आज तो एट्रोसिटी एक्ट भी आप लोगों से छीन लिया गया है, तो इस सरकार को उखाड़ फेंकना अब आपके हित में है, आपके लिए बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। सरकार को आपको उखाड़ के फेंकना होगा, अन्यथा आपको दोयम दर्जे का नागरिक बनकर जीना होगा, क्योंकि सत्ता उनके हाथ में है, सत्ता के सभी पदों पर वो लोग आसीन हैं, उन्हीं के न्यायाधीश हैं, सब कुछ उनका है, वकील उनके हैं, केस लड़ने वाले वो, केस में सजा सुनाने वाले वो, केस उस निर्णय को इम्प्लीमेंट करने वाले भी वही लोग। तो आप लोगों से अनुरोध है कि प्लीज इस मामले को बहुत गंभीरता से लीजिए। एट्रोसिटी एक्ट का खत्म होना, उसका निष्प्रभावी होना बहुत बहुत गलत संदेश देगा। जो अभी तक जो लोग डरते थे, कुछ थोड़ा डर उनको एससी एसटी एक्ट का रहता था, अब वो भी पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जमीन पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोअर तबके के हमारे लोग हैं, जो नहीं पढ़े लिखे, उन पर अत्याचार भयावह रूप से बढ़ने वाला है इस आदेश के बाद। तो हमें अपने सारे प्रतिनिधियों से, जो जिस भी पार्टी में हमारे समाज के प्रतिनिधि हैं, उनसे सवाल पूछना होगा कि आप क्या कर रहे हैं विधानसभाओं में, अपनी अपने केंद्र यहाँ पर लोकसभा में, उनसे कहिए कि इस मामले को वो तत्परता से उठाएं। अक्रॉस पार्टी लाइन, अपनी अपनी पार्टी के लाइन के बाहर जाकर इस मामले को उठाएं। मैंने आपके बीच में पूरा विवरण, पूरा एक्ट का विवरण आपके बीच में मैंने दे दिया है साथियों। आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों के बीच पहुंचाएं, ताकि उनको भी समझ में आ सके कि क्या हुआ है, क्या हुआ है हमारे साथ, और उसके क्या क्या मायने, क्या क्या परिणाम आने वाले समय में हमारे समाज को भुगतने होंगे। तो साथियों, धन्यवाद। और कुछ साथी मुझे पूछ रहे हैं कि रिव्यू पिटीशन हम लोग क्यों फाइल नहीं कर सकते। सर, रिव्यू पिटीशन फाइल करने के लिए एक बहुत बड़ा वकील चाहिए रहता है। रिव्यू पिटीशन फाइल करने के लिए या तो हमें सुप्रीम कोर्ट का एक सीनियर वकील चाहिए रहेगा, या फिर हमें सुप्रीम कोर्ट का कोई वकील और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड चाहिए रहेगा, जो कि एक बहुत बड़े वकील होते हैं और उनकी फीस बहुत हाई प्रोफाइल फीस होती है। हम प्रयास करेंगे, क्योंकि सर हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि मैं ये बोलूं आपसे कि मैं अपने इंडिविजुअल लेवल पर कोई वकील कर सकता हूं जो कि इस केस को लड़ सके। तो सर मेरी क्षमताओं में तो नहीं है कि मैं इसकी रिव्यू पिटीशन फाइल करवा सकूं, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि अगर एक बड़ा
हम लोग अगर गठजोड़ बनाते हैं, सभी सामाजिक संगठन इकट्ठा होते हैं और उन संगठनों की ताकत के साथ अगर हम लोग साथ में जाते हैं और किसी वकील को हायर करते हैं और वकील से मांग करते हैं कि इस पर रिव्यू पिटीशन फाइल की जा सके। मुझे बिल्कुल मुझको पता है कि देश में इतने सारे हमारे संगठन हैं, बड़े 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 संगठन हैं, ताकतवर संगठन भी हैं और हमारी खुद की पार्टी भी है, बहुजन समाज पार्टी, जो कि इस मामले को बिल्कुल गंभीरता से उठाएगी और बिल्कुल इस मामले को रिव्यू पिटीशन को फाइल किया जाएगा। पर हमें अपने स्तर पर भी, एक छोटे छोटे स्तर पर भी हमें कार्य में लग जाना होगा, क्योंकि हम किसी एक के भरोसे, किसी के भी भरोसे बैठे नहीं रह सकते। तो आपसे अनुरोध है कि इस मामले को अपने अपने तौर पर, अपने अपनी जगह पर उठाएं, एक व्यापक आंदोलन इसके पर पर छेड़ें, ताकि एक मैसेज जा सके देश में कि हम लोग इन अत्याचारों के विरुद्ध अपनी आवाज उठा रहे हैं। जिस तरीके से हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, हम सजग हैं इस बात को लेकर, हमें पता है। और आप प्लीज, आप लोगों से अनुरोध है कि अपने आगामी आने वाले चुनावों में अपने वोट की ताकत से ऐसी शक्तियों को परास्त करें जो कि मनवादी हैं, जो आपके अधिकारों को खत्म कर रही हैं। तो अजमल सिंह जी, बहन जी, बिल्कुल सर, बहन जी का कहना क्या होगा आप जानते हैं। बहन जी इस पे क्या कहेंगी, क्या टिप्पणी उनकी, उनका मेरे को लगता है कि शाम तक उनका उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी या कल तक, आजकल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी या प्रेस में पार्टी कार्यालय से आ जाएगा, तो आपके सामने स्थिति बेहतर स्पष्ट हो जाएगी। पर आप जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का इस पे क्या स्टैंड होने वाला है। बहुजन समाज पार्टी निश्चित ही इस मामले को उठाएगी और निश्चित ही इस मामले पे लड़ाई लड़ेगी आगे चलकर। तो साथियों, इसके साथ ही मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। प्लीज आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मेरे जितने भी भाई लोग हैं जो शायद इस मामले को समझ नहीं पा रहे हों केवल, तो हो सकता है मेरे इस वीडियो के माध्यम से उनको समझ में आए कि आखिर अक्सर हुआ क्या है, पूरी बात क्या हुई है। मैंने पूरी तरीके से जितना मुझसे हो सकता था, मैंने फैक्ट्स के साथ में इस केस को मैंने आपके लोगों के बीच में रखा है। थैंक यू साथियों जुड़ने के लिए। जय भीम, जय भारत।